गुड आफ्टरनून सर। मैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून We will just wait for one more minute and then we will begin our class. मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो शुरू करते हैं फिर। ओके बच्चे, आपने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ सेट्स, राइट? तो उसी की कंटिन्यूशन में मैं एक फटाफट एक आपको ब्रीफ दे देता हूँ लास्ट लेक्चर का। इक्वल सेट कौन से होते थे बच्चे? बोल बोलो, आप में से कोई एक जल्दी। सेम एलिमेंट, ठीक है, जिनके एलिमेंट भी सेम हो, ठीक है, जिनमें सेम सेम एलिमेंट हो दोनों सेट में, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में ना हो, ठीक है, जो एक सेट में एलिमेंट है वही दूसरे सेट में भी एलिमेंट है, राइट? ओके, तो अब दूसरे पे जाते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जो होते थे वो सेट है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जैसे कि कोई दो सेट है उनमें तीन तीन एलिमेंट हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं, और इक्विवेलेंट सेट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, लेट से ए एक सेट है, सेट ए है उसमें भी तीन एलिमेंट हैं, और सेट बी है उसमें भी तीन एलिमेंट है। ये सिंबल होता है बच्चे आपका टिल्ड का, ये सिंबल होता है। अगर आप में से कोई डेस्कटॉप यूज कर रहा है तो वो एस्केप के नीचे वाला कैरेक्टर देखे,
वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक ऐसा सिंबल, उसी को टिल्ड बोलते हैं, ठीक है? और वही इक्विवेलेंट का सिंबल है। क्लियर है? आगे मूव करें। यस सर। ओके, लेट्स मूव अहेड। इसके बाद बच्चे आते हैं यूनिवर्सल सेट। इससे पहले मैं वो सेट कंप्लीट कर देता हूँ जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, एम्प्टी सेट। अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आता हो तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं उसको? या तो फाइव फाइव फाई सिंबल से से, ये वाला सिंबल देखो, या उसको खाली कर्ली ब्रेसेस से हम उसको, ब्रैकेट से ठीक है? इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इसका कार्डिनल नंबर 0 होगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है? अब वो जानने से पहले हम सिंगलटन सेट करते हैं। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, इसकी कार्डिनलिटी एक होगी या कार्डिनल नंबर एक होगा, ठीक? और अब कार्डिनलिटी पे आते हैं हम, कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है। कार्डिनलिटी बच्चे, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। अगर कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है लेट अस सपोज 1, 5, 9, 13, 17, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका काउंट कार्डिनलिटी होगी। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 5। पांच ही एलिमेंट है ना। और कार्डिनलिटी को बच्चे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, आप सेट के दोनों तरफ दो बार लगाते हो, ठीक है? ऐसे रिप्रेजेंट होता है। कई 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 बार आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हो, आप एन लिखते हो, ब्रैकेट में आप ए लिखते हो, तो ये भी कार्डिनलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है आपके, ठीक है? यस सर कई कई बार आप बुक में, हाँ जी बच्चे, सर यहाँ पे डिफरेंस तो 4 का है, तो हम कार्डिनलिटी 5 क्यों करेंगे? नहीं डिफरेंस, कार्डिनलिटी इज नथिंग टू डू विद द डिफरेंस। डिफरेंस का कोई रूल नहीं है इसमें। कार्डिनलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, देखो एक ये है, एक ये, दो तीन चार और ये पांच, तो इसकी कार्डिनलिटी 5 होगी क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? कार्डिनलिटी सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, इसलिए उसकी कार्डिनलिटी 5 है। अगर 5 एलिमेंट होंगे तो कार्डिनलिटी 5 होगी, अगर 50 एलिमेंट होंगे तो कार्डिनलिटी 50 होगी, ठीक है बच्चे? यस सर। ओके। उसके अलावा हमने एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किए थे। फाइनाइट सेट जिसकी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे हम एक नंबर एसोसिएट कर सके, चाहे वो बड़े से बड़ा नंबर ही क्यों ना हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। मान लो जैसे ये ए है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसके साथ हमने इसकी कार्डिनलिटी के साथ हमने एक नंबर एसोसिएट कर दिया ना, तो ये फाइनाइट सेट होगा। मतलब कोई ना कोई कार्डिनलिटी अगर आ जाती है तो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है? तो कार्डिनलिटी अगर आपकी है इन्फिनिटी तो उस सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जो सेट कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं ना होते कभी, 1, 2, 3, 4 से शुरू होके वो चलते ही जाते हैं आगे। होप आपको क्लैरिटी होगी होगी बच्चे टाइप्स ऑफ सेट की। सभी को ओके। नाउ वन मोर थिंग बच्चे, अब हम कोशिश ये करेंगे कि इसको साथ साथ हम पेस करते जाएं, ठीक? और साथ साथ हम इसको पेस करते जाएं और जितना हो सके उतना आगे की तरफ ही बढ़ें। पिछले पिछले टॉपिक्स को हम अब कवर एक साथ ही तब करेंगे जब आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। जब आपको एक असाइनमेंट दूंगा मैं नेक्स्ट वीक, आपकी एक असाइनमेंट होगी जब ये आपका सेट ऑलमोस्ट 50% खत्म हो जाएगा, तो आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। आप में से जो बच्चे नए होंगे
तो उनके लिए हम उस असाइनमेंट के बेसिस पे एक एक लेक्चर लेंगे, ठीक है, और बाकी बच्चे उस टाइम में वो असाइनमेंट के अपने डाउट्स क्लियर करेंगे. सो इज इट क्लियर? यस सर. और दूसरी yes, हाँ जी बच्चे, ओके. और दूसरी चीज, जिन जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है या सेकंड लेक्चर है या पिछला कुछ टॉपिक उनका रह गया है, वो कोशिश ये करें अब कि जितना मैं यहाँ पे अब करवा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको वो अच्छे से समझने की कोशिश करें. एटलीस्ट जो आज हो रहा है ना, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो. ये आप ना अपने माइंड में लेके आना कि मैंने पिछला नहीं किया तो मेरे को ये समझ नहीं आएगा. ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको समझ आएगा. तो जहां आपको डाउट होता है ना, ये समझ आना बंद हो जाता है, वहां से आप दोबारा रिपीट करवा लेना. तो एक बार मैं कार्डिनलिटी दोबारा बता देता हूँ. कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, या उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं. अगर मैं बोलूं इस सेट ए का कार्डिनलिटी क्या होगी, 5 होगी. कार्डिनल नंबर क्या होगा? 5 होगा. इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? दो सीधी लाइनों के बीच में आप उस सेट को लिख देते हो, ये कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है. या बाहर आप एन लिख देते हो, ब्रैकेट में आप सेट लिखते हो, उसको भी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ही बोला जाता है, ठीक है. तो अब हम वापस एक स्लाइड जाते हैं. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट अब क्या चीज है? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को एक सेट है ए, इसमें ना नेचुरल नंबर आएंगे, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसमें ना एक्स एलिमेंट आएंगे. अब एक्स क्या है? एक्स नेचुरल नंबर है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. और जो हमारा एक्स है वो इवन नंबर है, ठीक. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो इसमें 2, 4, 2, 4, 6, 8. हाँ, तो 2 इवन नंबर ही आएंगे सारे, 2, 4, 6, 8, ठीक, 10 और सो ऑन, ठीक. अब देखो, ये आपकी एक प्रॉब्लम थी जिसमें आपने ये प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया है ना, और फिर आपने नंबर्स लगाए, लेकिन ये नंबर एक्चुअल में आए कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं ये नंबर? ये नंबर नेचुरल नंबर से आए हैं, है ना, ठीक है. तो इस ये एक प्रॉब्लम थी, हमने फाइंड आउट क्या करना था? इवन नंबर फाइंड आउट करने थे, ये एक प्रॉब्लम थी. अब इवन नंबर कहाँ से फाइंड आउट करने थे? जहां से भी हमने फाइंड आउट करने होते हैं वो नंबर, उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. जिस यूनिवर्सल सेट इज अ सेट जिसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट अवेलेबल होंगे, ठीक, जो आपको जरूरत है. जैसे सपोज आपके मैथ में डिजिट कितने होते हैं? कितने डिजिट हैं आपके मैथ में? 10 डिजिट हैं आपके, है ना. अगर मैं उसमें बोलूं कि बस आप वो सेट लिखो, एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सिर्फ इवन डिजिट हो, तो आप बनाओगे 0, 2, 4, 6 और 8 लिखोगे, ठीक. तो ये मैंने एक प्रॉब्लम दी, उसका आपने एक सलूशन दिया, लेकिन ये डिजिट आए कहाँ से हैं? ये यहाँ से आए हैं. तो इस प्रॉब्लम के लिए ये सेट क्या था? यूनिवर्सल सेट था. इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल यू, ठीक. तो यूनिवर्सल सेट बच्चे कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर. दो बातें मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में दोबारा रिपीट कर देता हूँ. यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपकी करंट प्रॉब्लम के सारे एलिमेंट्स हों. जैसे आपकी ये पिछली एग्जांपल हमने की थी नेचुरल नंबर से किए थे, तो नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट था, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे जितने भी नंबर आए हैं वो सारे के सारे कहाँ किसमें हैं? नेचुरल नंबर्स में हैं. तो नेचुरल नंबर ऑब्वियसली आपका यूनिवर्सल सेट हो गया. और यहाँ पे ये डिजिट वाली एग्जांपल में देखो,
डिजिट तो 10 ही होती है, यूनिवर्सल डिजिट आपके 10 हो गए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 4 या 5 डिजिट आए। तो हुआ बच्चे कुछ क्लियर इसमें? करें आगे मूव करें? यहाँ पे आप एग्जांपल भी देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारी एक डोमेन आ गई ना कि हमने नेचुरल नंबर ही लेने हैं और एक्स इज लेस देन 10, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये 1 से लेके 9 नंबर कहाँ से आए हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट से आए हैं, और वो यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर। अलग अलग केस में अलग अलग यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैं और एग्जाम्पल आपको यहाँ नीचे देता हूँ, मेरे को कुछ ये चाहिए x, x belongs to integer -50 से लेके +50 तक मेरे को नंबर चाहिए, ठीक है? तो इसमें अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका? इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर कौन कौन से आएंगे, -49 से लेके 0 और फिर 0 से लेके 49 तक, लेकिन ये सारे के सारे नंबर क्या है, बेसिकली ये इंटीजर है। ये किस में मिलेंगे आपको, ये सारे नंबर इंटीजर में मिलेंगे, z में मिलेंगे, ठीक है बच्चे? आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो आगे मूव करें। Yes, sir. अभी तक के जितनी भी टाइप्स बताई हैं, किसी में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। बच्चे ब्लैंक होके ना बैठे रहना, समझ आए तो ओके, फिर आप चाहे नोट ना करो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, यू हैव द फ्रीडम टू अनम्यूट योर सेल्फ और पूछो क्या समझ नहीं आया, जो समझ नहीं आया। I'm giving you 30 seconds. सही एग्जांपल फिर से रिपीट करना। कौन सी वाली बच्चे? वाली जो, हाँ चलो ठीक है, लास्ट में है। ठीक है ठीक है, ये एग्जांपल है, मैंने कहा है कि हमारा एक सेट है A, ठीक, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, x, x एक वेरिएबल ही है सिंपल, और ये एलिमेंट जो है, जो आएंगे, जो ये वेरिएबल होगा वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला होगा, ठीक। तो अब मैंने क्या प्रॉब्लम में बोला कि हमारा एक्स जो होगा वो इंटीजर होगा पहले, तो इसलिए मतलब हमने बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया, मतलब हमारा एक्स जो होगा वो एक इंटीजर होगा, जेड मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है और होल नंबर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई है कि -50 जो है हमारा जो नंबर होगा वो -50 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा, तो इसके बीच में अब जितने भी नंबर आते हैं वो सारे हमारे सेट में आ जाएंगे, -49, -48, -47 सो ऑन 0 तक, उसके बाद 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 49 तक। तो ये तो हमारे सेट के एलिमेंट हो गए, है ना, ये तो हमारे सेट के एलिमेंट हो गए, लेकिन ये आए कहाँ से हैं, जितने भी नंबर हैं ये किस चीज से हमने निकाले हैं, किस यूनिवर्स से हमने निकाले हैं, किस यूनिवर्सल सेट से हमने निकाले हैं, इंटीजर से ही निकाले हैं, इससे निकाले हैं, जेड से, ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलो आगे मूव करते हैं। अब फिर एम्प्टी सेट हमारे हो गए थे, सिंगलटन सेट हमारा हो गया था, इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा इसमें, कार्डिनलिटी भी हमने दिखा ली थी। अब आती है हम सबसेट पे, और सबसेट को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो पे अटेंशन, बड़े ध्यान से इसको देखना। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो लेट से मेरा एक सेट है ए, ठीक, इसमें एलिमेंट है 5, 6, 7 और 8, ये एलिमेंट है, और मेरा एक सेट है बी,
इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 20। तो इसका मतलब इसमें 3, 4, 5, 6, 7 और सो ऑन करते करते एक एक बढ़ते बढ़ते 20 तक जाएंगे हम। तो उसमें 20 एलिमेंट है, ठीक है। यहां तक मुझे पता लगा? यस ठीक है। हाँ, अब आप देखो ए में जितने भी एलिमेंट हैं, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, वो बी में भी है ना? यस सर। आपको ऑब्वियसली ये सो ऑन में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे आते जाएंगे और 20 तक आएंगे सारे, ठीक। तो 5 भी है, 6 भी है, अगर आप अब देखो तो 7 भी है और 8 भी है ना बी में सारे। एक ए में, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में भी है ना? यस सर। और ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? 1, 2, 3 नहीं नहीं नहीं, ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? नो सर। नो सर। नो, जितने भी ए के, जितने भी ए के एलिमेंट है सारे के सारे बी में अवेलेबल हैं। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, वो सबसेट है बी का। हाँ, और सबसेट का बच्चे सिंबल, सिंबल होता है ये सी, सी डाला हुआ है ये, ठीक है। थोड़ा सा फ्लैट सी है और नीचे एक बार, एक लाइन डाली हुई है, ये सबसेट का सिंबल है। थोड़ा सा क्लियर करके बनाता हूँ, ये होता है बच्चे सबसेट का सिंबल, ठीक है। और इस तरफ, इस तरफ वो वाला सेट आता है जो सबसेट हो, और इस तरफ वो वाला सेट आता है जिसका वो सबसेट हो, ठीक है। जैसे आप ऐसा लिखते हो ना नॉर्मली, अगर ए छोटा हो तो आप लिखते हो ए लेस देन बी या ए लेस देन इक्वल टू बी, है ना। तो ए की तरफ मुंह बंद होता है और जो बड़ा होता है उसकी तरफ खुला होता है। वैसे ही सबसेट में भी ऐसा ही है, जो सबसेट होगा मतलब जो छोटा होगा उसकी तरफ मुंह बंद होगा और मुंह खुला किसकी तरफ होगा? जो बड़ा सेट होगा की तरफ, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ चलो, तो अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। अ सेट इज, वो तो अपने आप एक बार पढ़ लो, मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, अब एक बार स्क्रीन को देख ही रहे हो, एक लाइन में इसको पढ़ लो। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। हम किसी सेट ए को किसी दूसरे सेट बी का सबसेट तब कहेंगे, इफ, तब कहेंगे आगे, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए दोज आल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। अगर आपके सेट ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, सारे एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग कर रहे थे वो सेट बी को भी बिलोंग करें, ठीक है बच्चे। आई होप इट्स क्लियर डेफिनेशन। यस सर। और डेफिनेशन जरूरी नहीं है जो मैं लिखा रहा हूँ या जो आप बुक में पढ़ रहे हो वही चीज ही आप लिखो या वही सही होती है। आपका ना मीनिंग, जो कंटेक्सचुअल मीनिंग होता है वो बिल्कुल सही निकल के आना चाहिए, बाकी आप वर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन आपकी जो डेफिनेशन का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। बस जो मीनिंग, कोर मीनिंग होता है ना सबसेट का या किसी भी डेफिनेशन का, वो नहीं चेंज होना चाहिए। बाकी अलग अलग बच्चे आप अलग अलग बुक फॉलो कर सकते हो, अलग अलग डेफिनेशन अपने खुद से बना सकते हो। कॉन्सेप्ट पता हो, डेफिनेशन हम अपने आप बना लेते हैं। जैसे आपको अब कॉन्सेप्ट पता लगा कि सेट ए सेट बी का सबसेट तब होगा जब सेट ए जो है उसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो सेट बी में भी अवेलेबल होंगे, ठीक। तो इसको आप अब जैसे मर्जी, जिस मर्जी सेंटेंशियल फॉर्म में लिखो, बस आपकी ये मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए कि सेट ए में वही एलिमेंट है जो सेट बी में होंगे और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। आई होप इट्स क्लियर।
अच्छा मैं यहाँ पर एक और सेट बनाता हूँ, लेट्स से लेट्स सी, अगर मैं बोलू सेट सी में एलिमेंट है 5, 6, 7, 8 और फिर है 24 और 25, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेट जो है सी वो सबसेट है मेरे सेट बी का, क्या ये मैं कह सकता हूँ? नो सर। नो सर। क्यों? क्यों? सर इसमें 24 और 25 आ रहा है। ओके, इसमें 24 और 25 आ रहा है तो इसलिए ये सबसेट नहीं है, ठीक है? और जब आप इसको काट देते हो, जैसे जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर इक्वल टू होता है आप ऐसे लिखते हो, अगर इक्वल टू नहीं होता है आप काट देते हो ना, है ना, वैसे ही आप इसको भी ऐसे काट सकते हो। इसका रीजन क्या है, आप लिख सकते हो कि ये चीज नहीं है, सी सेट जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हो 24 और 25 ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, सेट सी को, पर ये 24 और 25 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं सेट बी को, है ना, ठीक है ना? तो हर एक चीज का रीजन जरूर देना। अच्छा एक और चीज पूछता हूँ मैं, अब एक चीज और पूछता हूँ, अब देखो अगर मैं बोलू सेट ए सबसेट है सेट सी का तो क्या ये सही है? यस। क्यों? क्योंकि 5, 6, 7, 8 चारों के चारों सेट सी में भी अवेलेबल है, है ना? ओके अगर मैं इसे उल्टा बोलूं, सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए तो क्या होगा, सही है? नो सर। मतलब आप ये लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वहां पे मैं ए की जगह सी लिख दूं और सी की जगह ए लिख दूं तो क्या ये सही है? नो सर। यस क्यों नहीं है? क्योंकि सी में 24 और 25 भी है, ठीक, जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। ओके अब मैं एक एक लास्ट आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ये सही है? यस सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सेट ए जो है वो सेट ए का अपने आप का सबसेट तो हो गई, क्योंकि सेट ए में क्या है 5, 6, 7, 8 वो सेट ए में भी है, है ना? और सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट तो है नहीं है जो सेट ए में ना हो, तो हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा ही होगा। सबसेट बिल्कुल सही है ये, है ना? Yes, sir. Okay. एक और क्वेश्चन, अब बच्चे अगर मैं यहाँ पर अपने ऊपर दो सेट देखे है ना ए और बी, अब मैं ये बोलूं कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट डी का तो क्या ये सही है? यस सर। यस सर। और सर इक्वल सेट भी है। हाँ इक्वल सेट भी है और सेट डी जो है वो सेट ए का सबसेट है, सही है?
बिल्कुल सही है। अगर आपका कुछ ऐसा आपको नजर आए कि एक सेट ना एक सेट दूसरे सेट का सुपर सेट है, सबसेट है सॉरी, और जो दूसरा सेट है वो पहले सेट का सबसेट है, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल सेट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर पहला सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा सेट पहले का सबसेट है तो पहला और दूसरा सेट दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, आई होप इट्स क्लियर। सबसेट क्लियर है सभी को? ओके चलो चलो आगे मूव करें। ओके, आई एम गिविंग जस्ट 15 सेकंड्स टू एवरी वन ऑफ यू। आप में से किसी का डाउट है अनम्यूट योरसेल्फ और बोलो, और बोलो अपना डाउट। ओके चलो, आई एज्यूम कि समझ लग गया आपको, हम आगे मूव करते हैं। बच्चे अब एक कॉन्सेप्ट है सुपरसेट का, तो सबसेट और सुपरसेट दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो पैरेलल चलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पढ़ो, अगर आपका सेट ए सबसेट है सेट बी का, ठीक है, तो जो दूसरा सेट होगा ना बी, वो ए का क्या हो जाएगा? सुपरसेट। मतलब अगर मैं लिखता हूं ऐसे कुछ लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है? ए जो है वो बी का सबसेट है ना, इसका मतलब ये हुआ। और इसी का मतलब ये है कि बी जो है वो ए का सुपरसेट है, सुपरसेट। बस जिसकी तरफ ये सबसेट वाले सिंबल का मुंह खुला हुआ है वो वाला सेट क्या होगा? सुपरसेट। और जिस तरफ ये सिंबल बंद हुआ है उस तरफ सबसेट होगा। ठीक है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको सबसेट का पता लग गया तो सुपरसेट का भी आपको पता लग गया होगा। तो अब इस टॉपिक पे आते हैं, और सबसेट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता लग गया, एक हमने उसमें एक एग्जांपल की थी, मैंने आपको उस एग्जांपल पे, चलो हम बाद में आते हैं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर एक सेट है ए वो सबसेट है सेट बी का, ठीक है, मतलब ए में वो सारे एलिमेंट हैं जो बी में हैं, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, राइट। ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, बी में ए वाले सारे एलिमेंट अवेलेबल है। और दूसरी एक कंडीशन आ जाती है कि ए जो है जो सबसेट है वो दूसरे सेट बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबसेट वाली कंडीशन तो है ही है, लेकिन अगर हमारा सेट जो है ए वो बी के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ये डेफिनेशन क्लियर है? अब मैं आपको पिछले एग्जांपल पे लेके जाता हूं वापस। ये देखो, यहाँ पे हमने एक ये सेट ए लिया था, है ना, ये सेट हमने एक डी लिया था। अब हम इसको लिखते हैं ना, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, आपने बोला था हाँ है, फिर हमने बोला था डी सबसेट है ए का, तो आपने बोला हाँ है, तो उससे निकल के आया था कि ए और डी जो है वो क्या है? बराबर है। तो यहीं से ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो सबसेट है डी का, तो आप बोलोगे हाँ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है डी का, और प्रॉपर सबसेट का ना सिंबल ये होता है, उसमें हमने ये देखो नीचे एक लाइन डाली हुई है ना, जैसे आपका ये लेस देन होता है और इक्वल टू होता है, वैसे ही सबसेट का सिंबल ये होता है, ये छोटा सा एक फ्लैट सी और उसके नीचे बार। प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है? सिर्फ ये फ्लैट सी, ऐसे होता है, ठीक, ऐसे होता है, जैसे आपका ये लेस देन होता है। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर।
तो क्या क्या मैं कह सकता हूँ ए प्रॉपर सबसेट है डी का? नो सर, क्योंकि ए सबसेट तो है डी का, लेकिन ए और डी बराबर है, ए और डी बराबर है, तो हमारी बराबर ना बराबर होने वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ए डी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। नहीं, इसका कारण क्या है? क्योंकि ए और डी जो है वो बराबर है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आते हैं कि ए बताओ, जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का? यस सर। क्योंकि ए, इसका कारण क्या है? ए जो है वो आपका बी के बराबर नहीं है, और ए जो है वो सबसेट तो है ही है बी का, तो दोनों कंडीशन ट्रू ही, ए बी का सबसेट भी है और ए और बी बराबर भी नहीं है, इसलिए ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अच्छा, और इससे एक प्रॉपर्टी सिंपल सी आपको अब याद हो जाएगी कि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, है ना? नहीं, हर सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद के बराबर तो होगा ही, है ना? तो किसी भी कोई सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। हाँ, हर सेट अपने आप का सबसेट जरूर होगा, ठीक है? हाँ जी सर। ओके, तो बच्चे सारी क्लियर है प्रॉपर सबसेट सभी को? यस सर। यस सर। 3 मिनट की क्लास बच्चे बाकी है, एक टॉपिक हमारा आज का और बाकी है, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, मीनवाइल आपका जो डाउट है वो मेरे को बोल के बताओ, बोल के सबको बता दो। दोबारा बोलना बच्चे, बुक का नेम क्या है? बुक बच्चे अगर परचेज कर लो आप, बुक का आपका नाम है अप्लाइड एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये शर्मा पब्लिकेशन की बुक है, स्पेक्ट्रम बोल दोगे आप तो तब भी मिल जाएगी आपको, और ऑथर का नाम है बच्चे डी आर शर्मा। मैं इसका एक टाइटल पेज क्लिक करके ना आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा आज, ठीक है? तो आपको आपको पता, आपको फिर आसानी भी होगी खरीदने में, इसको परचेज कर लो, ठीक? और क्योंकि हमारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, तो जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है सर? प्राइम नहीं है? हाँ जी, प्राइम नहीं है? टाइम नहीं है मतलब? प्राइम स्पेक्ट्रम होती है बाय डी आर शर्मा एंड प्राइम बाय आर डी शर्मा, तो कौन सी लेनी है बच्चे? स्पेक्ट्रम बाय डी आर शर्मा ले लो, क्योंकि उसी से मैं पढ़ाऊंगा और आई थिंक उससे आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं अप्लाइड और इसमें डी आर शर्मा में स्पेक्ट्रम के। तो अगर आपने परचेज नहीं की है ना तो आप वो कर लो, अगर आपने परचेज कर ली है प्राइम की या पुरानी आपके पास पड़ी है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन अलग नहीं होंगे, क्वेश्चन सेम ही होते हैं। यस सर, प्राइम है। हाँ, अगर आपके पास प्राइम है कोई इशू नहीं है, उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक? थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आप सेम बुक ले सकते हो, प्राइम भी ले सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है। जिन्होंने परचेस अभी नहीं की है, आई विल रेकमेंड कि स्पेक्ट्रम आप ले लो, क्योंकि जो चीज कुछ मैं आपको बोलूंगा या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूंगा तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे स्पेक्ट्रम में, तो ऑब्वियसली क्योंकि वहीं से डाल रहा हूं मैं, प्राइम में भी वो अवेलेबल होंगे लेकिन ऑर्डर शायद अलग अलग हो सकता है, ठीक है? Yes. तो ये पावर सेट का हम कॉन्सेप्ट अगले क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी एक ही मिनट बचा है, ठीक है? तो कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो आप, क्लास कभी भी खत्म हो सकती है। चलो, आई होप कल के लेक्चर के शुरू में आपका कोई भी डाउट होगा वो पहले आप लेना, ठीक है? यस सर। ओके ओके बच्चे।